हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 उसी के कंटिन्यूएशन में हम 2014 और 13 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहां पे ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात कर रहा है। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि पहला वाला है। सेकेंड इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिशम है। थर्ड इज द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, थर्ड इज विश्व विरासत अभिशम है। ओके, इनमें से इन तीनों में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट डालता है या फिर जैव विविधता से किसका संबंध है, सीधा क्वेश्चन है। तो यार देखो, जो अर्थ समिट हुई थी ना, ये जो अर्थ समिट थी रियो वाली अर्थ समिट 1992 इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, यहां से कुछ मेजर डेवलपमेंट निकले। कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट निकले? एक था UNFCCC, सेकेंड इज UNCCD हो गया ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। थर्ड इज UNCBD, एजेंडा 21 जो कि नॉन बाइंडिंग था, एजेंडा 21। एंड तो ये जो मेजर डेवलपमेंट निकले ना, ये सारे ही किससे हैं? तो ये कंजर्वेशन एफर्ट से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से, इकोसिस्टम को रीस्टोर करने से रिलेटेड है, राइट? कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, ये सभी एक होलिस्टिक वे ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इनमें जैसे UNCBD था तो एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, UNCCD था यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, अब यानी सेकेंड तो जो है वो बायोडाइवर्सिटी से संबंध रखता है, तो सेकेंड अगर रखता है तो बी चला गया, सी चला गया। नाउ फर्स्ट दोनों में है, सपोज करो आपको एग्जाम हॉल में ये फर्स्ट के बारे में नहीं पता है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, लेकिन अगर आप कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो कि बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, उसके बारे में जानते हो, तो यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहां फर्स्ट दोनों में है तो फर्स्ट तो होगा, सेकंड भी होगा। बाकी अगर आप कॉमन सेंस की बात करो तो कॉमन सेंस में भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी होगी जिसमें हम सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराएंगे थ्रू प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट? तो फर्स्ट तो होगा, सेकंड भी होगा। नाउ थर्ड इज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन किसके लिए? तो जो वर्ल्ड की हेरिटेज है, जो विश्व की विरासतें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो कितनी तरीके की विरासतें होती हैं? इसमें एक टाइप होता है नेचुरल हेरिटेज। अभी जो नेचुरल हेरिटेज है इसका सीधा संबंध किससे होगा? बायोडाइवर्सिटी से होगा, यानी थर्ड वाला भी होगा। डी इज राइट आंसर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल डी इज राइट आंसर, ये जो डी है ये राइट है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या है? पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेप एंड यूनेस्को, ये यूनेप और यूनेस्को का इनिशिएटिव है, कौन? अर्थ आवर। सेकेंड इज इट इज अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच्ड ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। थर्ड इज इट इज अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस बढ़ाना है अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लेनेट। देखो ना यार, ये जो अर्थ आवर है ना, ये यूनेप और यूनेस्को का प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं है, ये किसका है? वर्ल्ड वाइड फंड का है, WWF का प्रोग्राम है ये,
ओके अर्थ आवर, तो यहां से फर्स्ट चला जाएगा, यहां से फर्स्ट चला जाएगा, इफ फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर लेते हो तो ए चला गया, डी चला गया। नाउ एक इसमें क्या करते क्या है ना अर्थ आवर में कि एक आवर के लिए वो कब से कब तक 8:30 PM to 9:30 PM हम लाइट ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं। कैसी लाइट? नॉन एसेंशियल लाइट, जैसे अपने घर की बत्ती बंद कर देना, राइट, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद कर देते हैं हम सारे, नॉन एसेंशियल। अब किसी हॉस्पिटल की लाइट नहीं बंद होगी, रेलवेज की लाइट नहीं बंद होगी, राइट। तो इसको इससे होता क्या है कि हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं और एक संदेश देते हैं कि हम अर्थ के लिए जागरूक हैं। तो सेकंड इज राइट, ओके। थर्ड इज, इट इज अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, एब्सोल्युटली राइट। तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। अब ये पूछ रहे हैं फूड चेन, नाउ व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है ना कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसको बड़ा वाला खा जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन छोड़ो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि फूड चेन जो है वो ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ की तरफ की जर्नी है। कैसी जर्नी है? फूड की जर्नी है, मूवमेंट ऑफ फूड की जर्नी है, ओके। तो डायटम्स कौन होते हैं? इनमें तीन वर्ड है, एक डायटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स, ओके। डायटम, क्रस्टेशियंस, हेरिंग। अभी जो डायटम्स होते हैं दीज डायटम्स आर ऑटोट्रॉफ, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके। और ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं दे आर हर्बीवोर्स, दे आर हर्बीवोर्स। ये डायटम्स कौन है? ये ऑटोट्रॉफ है, क्रस्टेशियंस इनको खाते हैं, दे आर हर्बीवोर्स। और ये हेरिंग अ काइंड ऑफ फिश है जो कि इनको क्रस्टेशियंस को खाती है। हेरिंग्स आर अ काइंड ऑफ फिश जो कि क्रस्टेशियंस को खाती है। तो ये बना, ये क्या बना? ये एक फूड चेन बना। अब इस फूड चेन को हम यहां देखने की कोशिश करेंगे कि इस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? डायटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, ओके, यही वाला तो है। यानी ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। 2014 के प्रीलिम्स का आया वो क्वेश्चन है। तो आप फूड चेन यहां से समझ पा रहे हो कि फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, दे आर इंपॉर्टेंट। वहां से यूपीएससी सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इंप्लाई। पूछ रहा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अगर किसी वेटलैंड को लाया जा रहा है तो उसका क्या मतलब निकलेगा। देखो वेटलैंड, ये जो रामसर कन्वेंशन हुई ना, ये रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में ईरान के रामसर शहर में, ईरान का जो रामसर शहर था वहां पे रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में। और बोला गया कि जितने भी वेटलैंड है इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे। अब होता क्या है कि कुछ वेटलैंड के लिस्ट बनाए गए, राइट। मान लो ये लिस्ट हो गई रामसर की, वेटलैंड की, रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ओके। ये लिस्ट हो गई, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे वेटलैंड लिए गए, हर डिफरेंट कंट्रीज से आए। अब इनमें ये जो रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट थे, इनमें अगर कोई वेटलैंड का इकोलॉजिकल स्टेटस डिग्रेड हो रहा था, इकोलॉजिकल स्टेटस चेंज हो रहा था या होने वाला था, तो उसको एक रिकॉर्ड बुक में रखा गया। उस रिकॉर्ड बुक को बोला गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। बस इतना ही है। अब ऑप्शन पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए इज चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, राइट। तो यही हो जाएगा आंसर। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड
आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. सो दिस इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर. मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो रहा हो या होना संभावित हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो BNHS के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे ये वन ऑफ लार्जेस्ट NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ओके, एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसमें ये लोग क्या करते हैं कि एनिमल को कंजर्व करते हैं, प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ठीक है. अब पढ़ो, फर्स्ट इज इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. मैंने क्या बताया, NGO है, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है. फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट चला गया. सेकेंड इज इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एडुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. एक्सट्रीमली राइट. ये किसको पार्टिसिपेट कराता है? इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को, सबको पार्टिसिपेशन कराता है BNHS, लेकिन ये है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एडुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. GEF की बात हो रही है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की बात हो रही है, हिंदी में भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा की बात हो रही है, ओके. सो फर्स्ट इज इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. सेकेंड इज इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंट इशूज एट ग्लोबल लेवल. सी इज इट इज एन एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विथ स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंट. एंड डी इज बोथ ए एंड बी. जो आंसर होगा, ये जो GEF है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म किसको प्रोवाइड कराता है? UNCBD को एंड UNFCCC को, ठीक है. इसका ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक. एंड दिस इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. फर्स्ट इज डेम्पा टाइगर रिजर्व, सेकेंड इज गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड थर्ड इज सारमती पीक. देखो ये जो डेम्पा टाइगर रिजर्व है ना, ये तो मिजोरम में है, दिस इज राइट. ये गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये सिक्किम में नहीं है, ये है कहां पे? ये त्रिपुरा में है, ये त्रिपुरा में है, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको मार्क करना मैप पे. एंड दिस सारमती शिखर इज इन नागालैंड, दिस इज राइट. तो थर्ड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है. गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन त्रिपुरा. तो इस हिसाब से ए चला गया, बी चला गया, डी चला गया, सी इज राइट, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू ए कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. देखो ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये भी वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल. अब क्या इसके बारे में क्या लिख रहा है? करेक्ट पूछा है पहले तो, कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाई द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू रामसर कन्वेंशन. ये बोल रहा है कि जो जो रामसर कन्वेंशन की सिग्नेटरीज हैं उनका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कॉल वेटलैंड इंटरनेशनल. तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट राइट. ये वेटलैंड इंटरनेशनल अलग है, ये 1954 में ही बन गया था, ओके. एंड दिस रामसर कन्वेंशन केम इन टू इफेक्ट, ये बना कब था? 1971 में. तो दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, ये आपस में पार्टनरशिप कर रही हैं, बट दे आर नॉट सेम. तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकेंड इज इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसी. तो ये सेकेंड वाला सही है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए
तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए फील्ड लेवल पर काम करता है, क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो सेकंड इज राइट, बी इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन पोचिंग, पोचिंग के अलावा, पोचिंग मतलब होता है शिकार करना, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन। ये जो गंगा में डॉल्फिन कम होने लगी, गंगा के डॉल्फिन कम होने लगी, इसका मेन रीजन क्या है पोचिंग के अलावा? फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराज एंड रिवर्स, नदियों और बांधों का निर्माण, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर, मगरमच्छ ज्यादा हो गए। थर्ड इज गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, संयोग से मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाना। यू गाइड्स शुड इग्नोर सच मिस्टेक्स। एंड फोर्थ इज यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल इन क्रॉप फील्ड इन विसिनिटी ऑफ रिवर, कि नदियों के आसपास जो खेत हैं उनमें बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करना। ओके, तो देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराज से क्या होगा कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होगा, नेचुरल हैबिटेट जो होगा वो डिमिनिश होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो उनकी क्या होगी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब उनकी पॉपुलेशन कम होना, तो ये तो होगा होगा। सेकेंड इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले भी थे। थर्ड इज गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, तो ये होगा क्योंकि फिशिंग नेट्स में वो फंस जाती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। फोर्थ इज यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, अब सिंथेटिक फर्टिलाइजर जब ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉयल इरोजन जब होगा तो ये ड्रेन ऑफ जो होगा, ड्रेन ऑफ ऑफ सॉयल, ये कहां जाएगा, ये रिवर्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा तो क्या करेगा, पोल्यूशन करेगा। और ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये कैसी है, ये प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर की मछली है, इसलिए इसका नाम भी गंगा रिवर डॉल्फिन पड़ा। ठीक है, तो जब ये पोल्यूशन होगा तो इसकी पॉपुलेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, राइट। तो पॉसिबल रीजन कौन कौन से हो गए, फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट, सॉरी सेकंड नहीं हुआ, थर्ड, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सेकंड एलिमिनेट कर दो, सेकंड एलिमिनेट कर दो। राइट आंसर इज सी, सी इज राइट आंसर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर द डे, विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। ये पूछ रहा है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघट जीव कहलाता है। ओके, अपघट जीव कहां पे आते हैं, तो सबसे पहले हमारे कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइट। सेकेंड इज हर्बीवोरस, थर्ड इज स्मॉल कार्निवोरस, फोर्थ इज लार्ज कार्निवोरस, एंड फिफ्थ इज डीकम्पोजर्स। ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये डेड एंड डिकेड एनिमल को फीड करते हैं, ओके, एनिमल और प्लांट को। तो ये अगर फूड चेन है कोई, तो ये पूछ रहा है कि डीकम्पोजर्स कौन कौन से होंगे, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया तो है डीकम्पोजर और फंजाई भी है डीकम्पोजर, वायरस डीकम्पोजर नहीं है, इसके बारे में अभी इतना नहीं बोला जा सकता कि ये भी एक डीकम्पोजर है। तो यूपीएससी का जो आंसर था वो था बी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, बी सेकेंड एंड थर्ड, ओके, बी इज राइट आंसर। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, कवक एंड जीवाणु। सो थैंक यू फॉर द डे।